कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के बढ़ती महंगाई के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसीलिए अब कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाने का रह गया है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान सिलेंडर के बढ़ाए गए दामों पर भी तंज कसा है। आइए सुनते हैं भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा, सुनते। देखिए, कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है और कांग्रेस के पास केवल और केवल आरोप लगाने का ही काम है। जो कांग्रेस की आज प्रवक्ता अलका लांबा यहाँ पर कह रही थी कि हमारे समय में सिलेंडर 400 रुपए का था, हाँ 400 रुपए का था, लेकिन मिलता कहाँ था? दो दो दिन जनता को लाइन में लगना पड़ता था। जो व्यक्ति 300 रुपए रोज कमा रहा है वो दो दिन लाइन में लगता था, 600 रुपए अपने खर्च करता था, तब जाके उसको 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था। ये भी गारंटी नहीं थी कि दो दिन लाइन में लगने के बाद सिलेंडर मिले। जब व्यक्ति का नंबर आता तब तक गैस खत्म हो जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, घर घर सिलेंडर।